ये मार्कर देखो, ये मार्कर और ये बोर्ड, इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मेरे हाथ में मार्कर है और हमारे पास एक दीवार है, इस मार्कर और इस दीवार के बीच में भी एक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मेरे पास ये मार्कर है, आपके बगल में कोई पेन है, आपके बगल में कोई पेन है, तो मेरे पास मेरे मार्कर और आपके पेन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मेरे मार्कर और आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ये मार्कर और दुनिया का कोई भी पार्टिकल, उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। यही मेरा मार्कर है। आप जिस घर में बैठे हो, आपके घर के दीवार की जो ईंट है ना, इस मार्कर और ईंट में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ये मार्कर और दुनिया में कोई भी पेड़, जितने भी पेड़ है, जानवर है, पक्षी है, सबके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। समझ रहे हो बात को? समझ में आ रही है बात? तो सब कुछ पिंड है। मैं बात करूँ चींटी की, एक चींटी भी पिंड है। बात करूँ अगर हाथी की, तो हाथी भी पिंड है। अगर मैं गाय की बात करूँ, गाय भी पिंड है, बैल भी पिंड है, बकरी भी पिंड है। मतलब कोई भी जानवर है, सांप की बात कर लो, बिच्छू की बात कर लो, कोई भी जानवर की बात कर लो, सब कुछ पिंड है। मैं भी पिंड हूँ, आप भी पिंड हो, ये बोर्ड भी पिंड है, ये मार्कर भी पिंड है, ये मोबाइल भी पिंड है, ये कैमरा भी पिंड है, चेयर भी पिंड है, ईंट भी पिंड है, ईंट पत्थर कुछ भी, सब कुछ, पत्ती डालियां पेड़ सब पिंड है, सब पिंड है। ये लाइट जलते हैं, लाइट एलईडी जलती, सब कुछ पिंड है बेटा, सब कुछ पिंड है। दुनिया में जो कुछ है सब पिंड है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जितने भी पिंड हैं हर दो पिंडों के बीच में एक बल काम कर रहा होता है। जितने भी पिंड है सबके बीच में एक बल काम कर रहा होता है, जो कि आकर्षण का बल होता है, उसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ रहे हो बात को? एक चींटी है, अगर एक मेरे पास कोई चींटी है जो रेंग रही है, और एक जंगल में बड़ा सा हाथी है, तो इस चींटी और उस हाथी के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई आदमी प्लेन में जहाज में बैठ कर उड़ रहा है, कोई आदमी जहाज में बैठ कर उड़ रहा है, तो मेरे और उस आदमी के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर प्लेन उड़ रही है, ऊपर जहाज उड़ रही है, तो मेरे और उस जहाज के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहीं पर आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है, उस चिड़िया और मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, तब भी मेरे बीच और आपके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। मीन्स हर दो पार्टिकल